मुंबई के मालाड पश्चिम मालवनी पुलिस ने एक नाइजीरियन को गिरफ्तार करके उसके पास 5 प्लास्टिक की थैली में 750 ग्राम एमटी बरामद हुआ है, जिसकी कीमत करीब 1,12,50,000 रुपए है। पुलिस आगे की जांच कर रही है। मालवनी पुलिस को खबर मिली कि मालवनी महाड़ा मैदान के पास एक नाइजीरियन ड्रग्स बेचने के लिए आ रहा है। खबर मिलते ही मालवनी पुलिस ने जाल बिछाकर उसे दबोच लिया। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से 5 प्लास्टिक की थैली बरामद हुई। इसमें 750 ग्राम एमटी बरामद हुआ, जिसकी कीमत 1,12,50,000 रुपये है। पुलिस के अनुसार यह व्यक्ति मालवनी और आसपास के छोटे मोटे ड्रग्स बेचने वालों को ड्रग्स सप्लाई किया करता था। हमारे माननीय पुलिस कमिश्नर सर ने पूरे मुंबई में जो एंटी ड्रग्स कैंपेन अभी चालू किया हुआ है, उसमें ड्रग्स बेचने वाले, ड्रग्स लेने, उसका सेवन करने वाले सभी के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना भी चालू है। उसमें मालवनी पुलिस स्टेशन के ज्यूरिडिक्शन में एक हमें इनपुट मिला इंटेलिजेंस थ्रू कि SSA एक फॉरेन नेशनल है, कि वो यहाँ पे बड़ी मात्रा में ड्रग्स बेचने के लिए आने वाला है और उसका यहाँ पे बहुत जगह पे उसने इसके पहले भी ड्रग्स सेल किया हुआ है। ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद में हमारे पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर श्री बालेराव, हमारे एजुकेशन ऑफिसर मुलानी, ACP दीवार साहब और उनकी टीम ने वो फॉरेन नेशनल को यहाँ से माड़ा मैदान उस एरिया से उसको कस्टडी में लिया हुआ है। जब उसे कस्टडी में लिया तब उसके पास से टोटल 5 छोटी छोटी थैलियाँ मिली, जिसमें हर थैली में 150 ग्राम मेफेड्रिन ये ड्रग्स था। ऐसे टोटल 5 थैली का मिला के टोटल हमें 750 ग्राम का मेफेड्रिन मिला है, जिसका टोटल कॉस्ट होता है 1,12,50,000 रुपये। और बाकी भी हम सप्लायर जो है उसका भी हम अभी उसके आगे की तहकीकात कर रहे हैं। आरोपी का बैकग्राउंड क्या है, जो ड्रग्स पकड़ा गया सर किसको सप्लाई करने के लिए आया था? ये कमर्शियल क्वांटिटी में पकड़ा गया है, ताकि इसको यहाँ पे जो छोटे मोटे बेचने वाले लोग रहेंगे या डायरेक्टली उसके जो यहाँ पे वेंडर्स है उनको बेचने के लिए वो आया होगा और आगे भी हम तहकीकात करेंगे। क्या लगता है इसमें और लोगों की गिरफ्तारियाँ संभव है सर? हाँ, ये उसका तहकीकात चल रही है। जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, जिसका भी सप्लायर रहेगा, जो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, सभी के ऊपर हम लीगल एक्शन लेंगे। आरोपी का मोडस सर क्या है, कैसे वो ड्रग्स मुंबई में लाता था, किसके जरिए लाता था? अभी हम उसकी तहकीकात कर रहे हैं, अभी उसका कस्टडी मिला हुआ है, तो डिटेल में हम इंक्वायरी कर रहे हैं। सर, इस आरोपी के खिलाफ और भी कोई मामला दर्ज है इससे पहले मुंबई के आसपास में? हाँ जी, ये फॉरेन नेशनल है, इसके बारे में और भी हर अलग अलग जगह पे केसेस रजिस्टर हो सकते हैं और इसके पहले भी उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, इसे हमें पता चला है, तो बाकी सब हम कलेक्ट कर रहे हैं। हाँ सर, इसमें क्या उसके सहयोगी भी हो सकते हैं जो इस तरीके की गतिविधियों में शामिल हों? हाँ, हो सकते हैं, सभी को हम इसमें लीगल एक्शन हम लेने वाले हैं। सर, ये जिस घर में रहते थे वहाँ पे कुछ एग्रीमेंट्स वगैरह, कुछ पूरे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है? वो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, हम सभी उसमें जितना भी हमें इसमें तहकीकात करनी चाहिए हर एंगल से इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कट इट।